नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट में। 15 अगस्त का मौका है और पूरे बाजार में 15 अगस्त की रौनक देखने को मिली है। अगर अभी की तस्वीर में आप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे जो है वो रैली निकाल रहे हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि महिलाएं जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी है। अगर कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो देशभक्ति के जो नारे हैं यहाँ पर लगा रहे हैं। पूरा जो माहौल है वो देशभक्ति में हो गया है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, ऐसे में महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से उल्लास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर इस तरह की रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगी? नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? सुचित्रा जायसवाल। जिस तरह से आज पूरा हल्द्वानी शहर जो है देशभक्ति में लीन हो चुका है, बच्चे रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये अच्छी एक अच्छी भावना है हमारे देशभक्ति के प्रति, और ऐसी रैली निकालनी चाहिए। हमें लगे कि हमें हमारे लिए तिरंगा का क्या महत्व है, ये हम इस रैली के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मैम आपको नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमलता और उसका आज देशभक्ति में घुमाया वाला झूला और सबको अच्छा लग रहा है, सब सहयोग दे रहे हैं, बहुत पसंद। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बाइक रैली भी यहाँ पे निकाली गई है। लगातार जो रैलियाँ है वो निकाली जा रही है, देशभक्ति यहाँ पे बच्चों में हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। महिला से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं मंजू वार्षने, मैं वैश्य महिला समिति की अध्यक्ष हूँ, और आज हमारा पूरा देश भक्तिमय हो रहा है, पूरी हल्द्वानी हमारा भक्तिमय हो रहा है। कल 15 अगस्त है, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है, और हम सब लोग हम वैश्य महिला समिति और वैश्य महासभा के बैनर तले पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। गणपति बप्पा हमारी नर्सरी के गणेश महोत्सव, तो हम उसके लिए भी तैयारी करें। आज आगे भी हम इसी तरह से हर भाग में हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहेंगे। भारत माता की जय की जिस तरह से यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, इससे एक बात तो ये देखने को मिल रही है कि जो लोग हैं वो देशभक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। और जिस तरह से कैमरा पर्सन ने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से रैली यहाँ पे निकाली जा रही है, तमाम महिलाएं तमाम पुरुष जो है वो यहाँ पर बच्चों की जो रैली है उसका स्वागत कर रहे हैं। कुछ पुरुष हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? राम बाबू जायसवाल, अध्यक्ष वैश्य महासभा। सर, जिस तरह से रैली बच्चों की तरफ से निकाली जा रही है, देशभक्ति में पूरा शहर लीन हो चुका है, आप खुद उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा हमारी आन बान शान है, और तिरंगे के लिए हम सारे लोग, हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि हमारा स्वागत करना है। तिरंगा यात्रा निकाली गई है वैश्य महासभा द्वारा पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया जा रहा है, और ऐसा ही कार्यक्रम हम वैश्य महासभा करती रही। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जिस तरह से यहाँ पर हमें भीड़ बहुत देखने को मिल रही है, जो लोग हैं काफी उत्साहित है, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हमारा ये 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे वैश्य महासभा हमेशा ये प्रोग्राम मनाते हैं और सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? बिंदेश कुमार गुप्ता। सर, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, बच्चों का उत्साह अगर मैं आपको दिखाऊं तो बच्चे देख सकते हैं कि किस तरह से देशभक्ति में लीन हो चुके हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने देश से इतना प्रेम देखते हुए कैसा लग? देश प्रेम की ये गंगा बच्चों के अंदर अगर बाल्यकाल से भरी जाएगी तो देश के अच्छे नागरिक भी बनेंगे, देशभक्ति भी बनेंगे। और 78 साल में आज भारत जहाँ से कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा है, ये आने वाले बच्चे इस भारत को और ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएं, ये देशभक्ति की भावना इनके अंदर जागृत हो, ऐसे आयोजनों से इस भावनाओं को बल मिलता है। 78 साल जिस तरह से स्वतंत्रता को हो गए हैं, 78 साल में आपने क्या देखा, किस तरह से भारत में चेंज आया और किन चीज़ों में अभी चेंज आना बाकी है? देखिए, जहाँ तक 78 साल की बात है, ये निश्चित है कि 78 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन सब कुछ संपन्न हो गया ये माना जाना ठीक नहीं है। आज भी भारत के अंदर बहुत गरीबी है, आज भी भारत के अंदर अशिक्षा है, भारत के अंदर आज भी बेरोजगारी है। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए देशभक्ति की भावना लेकर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि देश इसी तरफ आगे जाएगा। नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम? सुशील अग्रवाल। सर, जिस तरह से लगातार बच्चे जो हैं इस तरह से देशभक्ति की रैली जो है वो निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है छोटे बच्चों को इस तरह अपने देश के प्रति प्रेम करते? बहुत खुशी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे इस तरह देशभक्ति की भावना को जगा रहे हैं, और उनके उत्साह को देख के इतना अच्छा लगता है कि आने वाली पीढ़ी देश के प्रति कितनी उत्साहित है, कितनी जागरूक है, और इन्हीं बातों से आगे जाके उन्नति होगी देश की, हमारी तरक्की।
धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? किशनलाल गुप्ता। 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, 78 साल बाद देश की तस्वीर कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है आज़ादी के बाद। और हम लोग जो है निरंतर भैसमा सभा की तरफ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आज तिरंगा यात्रा में जो है हमने सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? सलीम खान। सर, जिस तरह से 15 अगस्त का मौका है, पूरी बाजार में रौनक देखने को मिली है, तरह तरह की चीज़ें आपके स्टॉल पे भी हमें देखने को मिली है, क्या कुछ है और उनका प्राइस क्या क्या है? प्राइस तो इनका रीजनेबल ही रहता है और रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कुछ इस बार। अच्छा, तो हर घर तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, लोग जो है घरों में तिरंगा रख रहे हैं, तो उसको लेकर भी लोग तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, 75 ईयर्स वाले में बहुत खरीदारी हुई थी। हाँ, बेहद। अच्छा। और इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। हाँ, कम से कम 50,000 रुपये। अच्छा, इस बार इतना नहीं है कुछ। इस बार इतना खास क्यों नहीं है? तिरंगा नहीं खरीद रहे हैं ज़्यादा। क्यों? पिछली बार तो तिरंगा इतना ज़्यादा बिका था, रिकॉर्ड शॉर्टेज हो गया था। अच्छा, तो इस बार किस चीज़ की बिक्री ज़्यादा देखने को मिलती है? बच्चों के छोटे आइटम हैं, बैंड हैं, बैच है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये बड़े झंडे और छोटे झंडों का क्या प्राइस होगा? 50, 70, 80। 70, 80 और बहुत बड़ा 200। अगर पूरी दुकान में सबसे महंगी चीज़ की मैं बात करूँ, वो क्या चीज़ है? ये शोपीस है। हाँ, ये कितने का होगा? ये 250 का है। ये 250 का है। लोग अभी सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? ये खरीद रहे हैं बैच और सबसे कम तिरंगा है, टी शर्ट वगैरह खरीद रहे हैं। टी शर्ट कुर्ती है जैसे वो। अच्छा, तो ये टी शर्ट के अगर मैं प्राइस पूछूँ, प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ है। तो ये मेंस में है या वुमेंस में भी है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, कोई भी यूज कर सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा मोहित जायसवाल मैम। तो जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर बाजार में बहुत रौनक हमें देखने को मिली है, आपकी दुकानों में भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, अगर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इन सबका प्राइस क्या होगा? मैम, प्राइस हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है। जैसे तकरीबन ये 10 रुपये से स्टार्ट है, 10 रुपये, 20 रुपये, फिर अलग रेंज में जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक झंडे हैं जी मैम। स्टार्टिंग कहाँ से है? मैम 10 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक के झंडे। ये जो मैं सबसे बड़ा झंडा देख रही हूँ, ये कितने का? ये 500 रुपीज़ का है। 500 का है। अभी कारोबार किस तरह से चल रहा है इस टाइम पे? कारोबार मैम नॉर्मली हल्का चल रहा है इस टाइम। हल्का चल रहा है, कारण क्या मान रहे हैं? हल्का बस मैं नॉर्मली है कि क्या कारण बता सकते हैं, मार्केट में कम है लोग इस वजह से। हाँ। 22 रुपये इस टाइम पे थोड़ा सीजन ऑफ चलता है। अच्छा, ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इसको लेकर कोई तिरंगा खरीद रहा है? जी मैम, तिरंगा खरीद रहे हैं और तिरंगा हरा रंग में खरीद रहा है इस टाइम पे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह की रौनक आज हल्द्वानी में 15 अगस्त को लेकर देखने को मिल रही है। बाइक रैली आज यहाँ पे निकाली गई, साथ ही स्कूली बच्चों की ओर से तमाम तरह की एक्टिविटीज़ और रैली के माध्यम से संदेश लोगों को दिया गया। साथ ही लोगों से हमने बात करी, व्यापारियों से हमने बात करी और जाना कि किस तरह का कारोबार इस बार 15 अगस्त को लेकर है। साथ ही व्यापारियों ने हमें बताया कि इस बार कारोबार हालांकि हल्का है, लेकिन उत्साह पूरा बच्चों में और व्यापारियों के साथ साथ लोगों में भी देखने को मिला है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।